एक बयान गृह मंत्री अमित शाह का हम सुनाना चाहेंगे, जो कि चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने दिया था, क्योंकि निजामों का जिक्र हुआ, निजामों की नगरी हैदराबाद है भी वैसे भी, तो सुनते हैं अमित शाह ने क्या कहा था। मैं आपको हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाए। तो निजाम कल्चर को त्याग कर हैदराबाद एक आधुनिक शहर बने, इसका वादा किया गया था अमित शाह की तरफ से। और अब देखिए जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी 87 सीटों पर आगे चल रही है, टीआरएस 33 सीटों पर आगे चल रही है, एआईएमआईएम 17 सीटों पर आगे चल रही है। पिछली बार के 2016 के जो चुनाव के नतीजे थे उससे बिल्कुल उलट ये तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन ये आंकड़े शुरुआती हैं। अभी बैलेट पेपर्स जो हैं वो काउंट किए गए हैं, अब नॉर्मल बैलेट्स की काउंटिंग शुरू हो गई होगी, ऐसा हम मान सकते हैं क्या शिवांगी? जी बिल्कुल, शुरू हो गई है और अभी हम कह सकते हैं कि पिक्चर बाकी है, क्योंकि जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं कि पोस्टल बैलेट की जो अभी गिनती हो रही है उसके बाद बीजेपी ज़रूर रुझानों में आगे चल रही है, लेकिन असल तस्वीरें अब सामने आएंगी जब नॉर्मल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी, और तब पता चलेगा कि जो सुबह के रुझान है क्या वही रुझान आगे भी जाएंगे, क्या वही रिजल्ट में भी तब्दील होंगे, या फिर नंबर जो है वो बदलते हैं। साथ ही लगातार बात कर रहे हैं, अगर केसरी रंग की ये लोग बात कर रहे हैं, हैदराबाद में जाफरानी चाय यहाँ बड़ी प्रसिद्ध है और इस पर केसर डालकर दिया जाता है। हम देख रहे हैं आज बीजेपी के जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादा मात्रा में केसर यहाँ पर पीते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भगवा रंग है, जो केसरिया रंग है, वो यहाँ पर ज़रूर हम लहराएंगे और जो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर हम चल रहे हैं वो यहाँ दिखाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक, तेलंगाना, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर बीजेपी को अभी और काम करने की ज़रूरत है। अगर हम एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर देख रहे हैं उन्हें, तो वहाँ पर एक्टिवनेस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वोटर्स बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि वोटर्स विकल्प नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ हैदराबाद चुनावों के दौरान, ये पता है बीजेपी को भी, ये बात पता है कि ज़्यादा सफलता उन्हें नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो लोकल पार्टी होती हैं, जो रीजनल पार्टीज होती हैं, उनमें सेंधमारी करना इतना आसान नहीं होता है। उनके जो वोटर्स होते हैं वो पहले से बंधे हुए होते हैं, फिर चाहे आप महाराष्ट्र देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, कोई भी ऐसा उठाकर देख लीजिए, रीजनल पार्टीज का एक अपना वर्चस्व होता है। ऐसे में फिर भी इतना बड़ा रिस्क लेना, कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज़ है, लेकिन यहाँ हैदराबाद के चुनाव में हमने देखा सब कुछ जायज़ था। बीजेपी की ओर से भी सब कुछ कहा गया, यहाँ ओवैसी की ओर से भी सब कुछ कहा गया, तो जरूर यहाँ पर रिस्क लिया है उन्होंने, और अगर ये रिस्क बिल्कुल बिल्कुल रिस्क लिया है और इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।